अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूं। आप सबसे माफ़ी चाहती हूं कि मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने कामों में मसरूफ़ थी। चलिए फ्रेंड्स, तो आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगी आपके लिए। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ। वो आप देख के जान ही लिए होंगे कि मेरा टॉपिक क्या होगा, यानी कि रोज़ा रखने के बावजूद भी कुछ लोगों का वज़न क्यों बढ़ जाता है। चलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले, इस्लाम में जो 30 रोज़े यानी कि 30 दिन तक रोज़े हमें रखने चाहिए, इसके दौरान रोज़े में किसी का वज़न घटता है और किसी का वज़न बढ़ जाता है। अब इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसका वज़न बढ़ता है और किसका वज़न घटता है, आपको क्या लेने से वज़न बढ़ता है, आपको क्या लेने से वज़न घटता है। चलिए इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसका वज़न बढ़ता है ये जान लेंगे। रोज़े के दौरान खाने पीने को लेकर एक अनुशासन का पालन करना होता है। सुबह के समय यानी कि सहरी के वक्त नाश्ते की तरह ही खाना खाना चाहिए। डाइटिशियन के अनुसार कई लोग सुबह सुबह ये सोचकर बेहिसाब खा लेते हैं कि उन्हें दिन भर भूखा रहना है। इतना ही नहीं, शाम को इफ्तार के समय भी वह ऐसा ही करते हैं और पेट भर के खाना खा लेते हैं। लेकिन इन सब का असर सीधे हमारी आंतों पर यानी कि हमारे शरीर पर पड़ता है। जो लोग रोज़ा रखने के दौरान इस तरह से आवश्यकता से यानी कि बेहिसाब अधिक खा पी लेते हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है। अब देखते हैं किसका वज़न घटता है। जिस तरह सुबह शाम बेहिसाब खाने पीने से रोज़ा रखने वाले लोगों का वज़न बढ़ जाता है, उसी तरह जो लोग सहरी और इफ्तारी के समय संतुलित आहार नहीं लेते हैं, उनका वज़न घटने लगता है। हालांकि सवाल जवाब वाली वेबसाइट में यानी कि एक शख्स ने अपना अनुभव बताया है, जिसमें उसने दोनों टाइम ठीक वैसे ही खाना खाया था जैसे वह सामान्य दिनों में खाता था। उसने पाया कि ऐसा करने से उसका वज़न घटा है, जबकि उसने अधिक खाया था तब उसका वज़न बढ़ गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रोज़े के लिए संतुलित आहार क्या होता है। ये खाएं तो रोज़े में नहीं होगी आपको कोई दिक्कत, तो क्या खाएं, चलिए देखते हैं। रोज़े के दौरान सुबह अंडा, दूध, पराठा, फल आदि खा सकते हैं, यानी सामान्य दिनों में जैसे नाश्ता कर सकते हैं। वहीं अब जब शाम को इफ्तार के दौरान आप रोज़ा खोलें तो शुरुआत खजूर से करें। खजूर में आयरन होता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। उसके बाद आप जूस और फल खा सकते हैं। इफ्तार के लिए इतना बहुत है। इसके कुछ घंटों बाद आप सामान्य दिनों की तरह पूरा खाना खा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या नहीं खाने की दी जाती है आपको सलाह, तो चलिए देखते हैं। लोगों में यह कन्फ्यूजन अक्सर देखने को मिलता है कि आखिर रोज़े के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए। अब जानते हैं कि रोज़े में क्या नहीं खाना चाहिए। रोज़े के दौरान कभी तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि बिरयानी, कबाब और फास्ट फूड जैसे, उससे बचना चाहिए। ज़्यादा कॉफ़ी या सोडा पीने से भी दिक्कत हो सकती है। ऐसा करने वालों की तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि पूरे दिन आप कुछ नहीं खाते और फिर अचानक से बहुत कुछ खा लेते हैं। रोज़े में लोग पानी तक भी नहीं पी सकते, इसकी वजह से कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान रखकर आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप संतुलित आहार लें। दूसरी चीज़ ये है कि रोज़े को अच्छी तरह से खजूर से खोले। अगर नारियल पानी या नींबू पानी पिएंगे तो बेहतर होगा। दिन में जितना कम हो सके उतना कम भाग दौड़ वाले काम करें, और ताकि
पानी की कमी से खुद को बचा सके, चाय कॉफ़ी को पूरी तरह से ना बोले और फलों की जूस पिए जो कमज़ोरी नहीं आने देंगी और डिहाइड्रेशन से भी बच जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।